आज का वीडियो एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। आज के वीडियो में मैंने करवा चौथ के लिए ऑनलाइन शॉपिंग की है। ड्यू टू COVID-19 इन दिनों मार्केट में जा करके या भीड़ भाड़ वाली जगह में जा करके शॉपिंग करना सेफ नहीं है, इसीलिए मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें करवा चौथ के लिए ली हैं। सबसे पहले मैंने ये बनारसी साड़ी ली है, ये मैंने मिंत्रा से ली है। इसमें नीचे की तरफ ये इस तरह का बॉर्डर है, इसमें पूरा थ्रेड से बुनाई की गई है, इसमें पूरा बुनाई का काम किया गया है, ये प्रिंट्स नहीं है। ये इसका आंचल है, और इस साड़ी के साथ में आपको प्लेन सिल्क का ब्लाउज का कपड़ा भी दिया गया है। इन दिनों बनारसी साड़ी काफी ज्यादा ट्रेंड में है। करवा चौथ पे ट्रेडिशनल लुक के लिए इस तरह की सिल्क साड़ी काफी अच्छी रहती है। मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, इसमें पूरा थ्रेड से वर्क किया गया है। सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 995 रुपीज की मिली थी। इन दिनों मिंत्रा पे काफी ज्यादा अच्छी सेल चल रही है, ये आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट पे मिल सकती है। नेक्स्ट मैंने ये रेड कलर की कांजीवरम साड़ी ली है, इसमें भी ऑल ओवर थ्रेड से वर्क किया गया है। ये इसका बॉर्डर है और ऑल ओवर इस तरह से मैंगो डिजाइन से इसमें थ्रेड से वर्क किया गया है। पर्सनली मुझे ब्राइट कलर की बनारसी या फिर कांजीवरम साड़ी पसंद है, जैसे कि पिंक और रेड। पहनने पे ये साड़ियाँ काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल ये सिल्क साड़ीज काफी ट्रेंड में भी हैं। ये आपको करवा चौथ पे परफेक्ट ट्रेडिशनल इथनिक लुक देती हैं। ये साड़ी भी मैंने मिंत्रा से ही ली है, इसका प्राइस है 995 रुपीज। कांजीवरम और बनारसी साड़ी सेम ही लुक देती हैं। इसके साथ भी प्लेन सिल्क का ब्लाउज मुझे मिला था, मैं इसको स्टिच करवा चुकी हूँ। ये इसका आंचल है, आपने ये रेड कलर का दुपट्टा मेरे नवरात्रि शॉपिंग हॉल में देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक भी दिख रही होगी। नवरात्रि हॉल वाले वीडियो में भी आपको कई फेस्टिव सीजन के लिए यूजफुल चीजें मिलेंगी। अगर आप साड़ी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप कोई हैवी दुपट्टा ले सकते हैं, तो आप सूट पहन सकते हैं, उसके साथ में हैवी दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, उसे भी बहुत ही अच्छा एक फेस्टिव ट्रेडिशनल लुक मिलता है। इस तरह के बनारसी दुपट्टा आजकल काफी ट्रेंड में है। इसमें भी ऑल ओवर काम है, नीचे की तरफ एक चौड़ा बॉर्डर है और किनारे पर पतला बॉर्डर है और बीच में ऑल ओवर गोल्डन बुटियां हैं। ये भी पूरा वुवन दुपट्टा है, इसमें भी पूरी बुनाई की गई है थ्रेड से। इस तरह के दुपट्टे को आप कुर्ता के साथ, क्रॉप टॉप, स्कर्ट के साथ या फिर लहंगे के साथ में भी कैरी कर सकते हैं। आजकल इस तरह के दुपट्टे काफी ट्रेंड में हैं। इस तरह के दुपट्टे इंस्टेंट फेस्टिव लुक क्रिएट करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं। एक सिंपल सी सॉलिड कुर्ती के साथ में भी आप इसको कैरी कर सकते हैं, ये पूरी कुर्ती का लुक ही चेंज कर देता है और आपको एक इंस्टेंट फेस्टिव लुक देता है। ये दुपट्टा मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। नेक्स्ट आप रेडीमेड ब्लाउज भी ले सकते हैं, मैंने ये ब्लाउज अमेजोन से लिया है। अगर आप भी इस टाइम पे ब्लाउज स्टिच नहीं कराना चाहते हैं तो आप रेडीमेड ब्लाउज ले सकते हैं। आपकी साड़ी में जो भी वर्क हो, जैसे कि मेरी साड़ी में ये गोल्डन वर्क है, तो इसलिए मैंने ये गोल्डन कलर का ब्लाउज लिया है।
आपकी साड़ी में भी जो भी वर्क हो, गोल्डन या फिर सिल्वर, उस कलर का आप ब्लाउज रेडीमेड ले सकते हैं। ये ब्लाउज मुझे परफेक्टली फिट हुआ है और ये काफी कंफर्टेबल भी है पहनने में। इसमें अंदर की तरफ ये लाइनिंग या फिर अस्तर लगा हुआ है, पीछे की तरफ ये डोरी लगी हुई है। आप इसमें अपनी पसंद की लटकन भी लगा सकते हैं और इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है। ये नॉन पैडेड ब्लाउज है या फिर आप इस तरह का कट स्लीव्स का ब्लाउज भी ले सकते हैं। इसमें ये बैक साइड में बटन लगे हुए हैं और ये डोरी लगी हुई है। रेडीमेड ब्लाउजेस के साथ में लटकन बहुत अच्छी नहीं मिलती है, तो आप अलग से अपने पसंद की लटकन भी इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी अस्तर या फिर लाइनिंग लगी हुई है और ये एक पैडेड ब्लाउज है। ये भी लाइट गोल्डन कलर का है और सभी गोल्डन वर्क की साड़ी के साथ में ये चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने कुछ ज्वेलरीज ली है। मैंने ये झुमकी इयररिंग्स ली है। ये सेट ऑफ टू की झुमकीज है। इसके ब्रांड का नाम है सुखी। ये ट्रेडिशनल जड़ाऊ झुमकी है। इस तरह की जड़ाऊ झुमकीज कांजीवरम या फिर बनारसी साड़ीज के साथ में काफ़ी अच्छी लगती हैं, या फिर कोई भी साड़ीज के साथ में जिसमें गोल्डन वर्क होता है, एक ट्रेडिशनल लुक के लिए इस तरह की झुमकी इयररिंग्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 291 रुपीज की मिली है। ये सेट ऑफ टू का प्राइस है। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल झुमकीज हैं। ये कलर रेड वाइट या फिर वाइट और गोल्डन कलर सभी इंडियन आउटफिट्स के साथ में परफेक्ट जाता है। नेक्स्ट मैंने ये इयररिंग्स ली हैं। इसका प्राइस है 300 रुपीज। आपको अगर झुमकी इयररिंग्स नहीं पसंद है तो आप इस तरह की इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। ये भी एक कंप्लीट ट्रेडिशनल लुक के लिए एकदम परफेक्ट इयररिंग्स है। नेक्स्ट मैंने ये एक सेट लिया है। ये लॉन्ग नेकलेस सेट है। इसके ब्रांड का नाम है मीनस। ये कुंदन और पर्ल नेकलेस है। ये कलर भी सभी इंडियन आउटफिट्स के साथ में परफेक्ट जाता है। नेक्स्ट मैंने ये चोकर नेकलेस सेट लिया है। इसके ब्रांड का नाम जावेरी पर्ल्स है। ये नेकलेस आपने मेरे आजियो ज्वेलरी हॉल में देखा होगा। उस हॉल में मैंने लेटेस्ट ट्रेंड की ज्वेलरीज ली है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी। आजकल इस तरह का चोकर नेकलेस भी काफी ट्रेंड में है। इसमें मांग टीका भी साथ में दिया गया है। मैं सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो वहां से खरीद सकते हैं। ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल गजरा लिया है। ये भी मैंने अमेजोन से लिया है। इसका प्राइस मुझे 115 रुपीज का पड़ा है। देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगता है। इसमें डोरी लगी हुई है। इसको पहनना भी काफी इजी है। इसको जोड़े के चारों तरफ इस तरह से डोरी से बांध लेना होता है बस, या फिर आप थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाहते हैं अपनी हेयर स्टाइल को तो आप इस तरह की गोल्डन हेयर पिंस भी ले सकते हैं। ये भी मैंने अमेजोन से ही ली है। करवा चौथ पे ट्रेडिशनल लुक को कंप्लीट करने के लिए चूड़ियां और बिंदी भी आप ले सकते हैं। ये मेरे पास पहले से रखी थी इसलिए मैंने इन्हें खरीदा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इस समय अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 नेल पेंट्स लिए हैं मेबलिन के।
जो अभी नेल पेंट आप मेरे नेल्स पे देख रहे हैं वो यही नेल पेंट है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेड लिपस्टिक की बात की जाए तो मेबलिन कलर्सो की ये दो लिपस्टिक मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इनका कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक ये लिपस्टिक थोड़ा सा रेड और ऑरेंजिस मिक्स है और एक ये जो रेड लिपस्टिक है ये परफेक्टली रेड कलर की है। ये दोनों ही कलर इंडियन स्किन टोन पे काफी अच्छे लगते हैं। होप ये करवा चौथ शॉपिंग हॉल आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।